ये बच्चा हमारा बेटा है और अब यही बच्चा हमारा सब कुछ है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के कंधे पे हाथ रखा और हाथ रखने के बाद प्यार से कहा कि ये बेटा है हमारा और यही बेटा हमारा वारिस है और सियासत की जो विरासत है यही संभालने वाला है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने उस बयान पे सफाई दे रहे थे जिस बयान की चर्चा इन दिनों पूरे भारत में है, इसलिए कि जब राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे, इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विकास की योजनाओं को गिनाते गिनाते ये कह दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और हमारी तो बीजेपी से दोस्ती है, कयामत तक आखिरी सांस तक बीजेपी के लोगों से हमारा याराना रहेगा। नीतीश का जैसे ही ये बयान आया सियासी गलियारों में हलचल मच गई, लोगों को ये शायद गुमान होने लगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे और आरजेडी का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना सकते हैं, इसलिए कि 2024 का जो चुनाव है वह सर पर है। इसी सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि आप लोग इधर उधर का जो बयान है तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं, अंड बंड बोलने लगते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब देने के फौरन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के कंधे पे बहुत प्यार और मोहब्बत से हाथ रखा और कहा कि ये हमारा बेटा है। हालांकि वो राजनीतिक तौर पर जो मोहब्बत है, जो प्यार है, जो शफकत है वो तेजस्वी यादव के साथ दिखाते रहते हैं। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना गार्जियन मानते हैं। जब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था इस दौरान तेजस्वी यादव ने अपने चचा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पांव छुआ, आशीर्वाद लिया और फिर नीतीश ने उन्हें उठा करके गले लगा लिया। लेकिन आज जब श्री कृष्ण सिंह जयंती के सरकारी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री पहुंचे, तेजस्वी यादव पहुंचे, कई सारे नेता थे, मंत्री थे, इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोहब्बत की जो हाथ है वो तेजस्वी के कंधे पे रखा और कहा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बच्चा है और इस बच्चे में ही सब कुछ है, यानी सियासत की काबिलियत है और हमारे लिए सब कुछ यही है, अब इसी राजनीति को ये अलग बढ़ाते रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस तरह का बयान 2015 के बाद जब गठबंधन की सरकार बिहार में बनी थी और गठबंधन टूटने से पहले भी उन्होंने कहा था कि अब तो इन्हीं लोगों का वक्त है, यही लोग सब कुछ करेगा और हम तो कह रहे हैं कि तुम ही अब राजनीति में हो, सब कुछ संभालो, बिहार को संभालो और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दो। हालांकि उसके कुछ दिनों के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी से रिश्ता तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली थी और जिसके बाद तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि हमको मुख्यमंत्री ने बंद कमरे में कहा कि अब तुमको ही संभालना है, तुमको ही बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। तो मुख्यमंत्री का एक तरह का बयान कई बार कई गठबंधनों में रहकर आ चुका है, लेकिन आज मौका था श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया और यकीन दिलाया कि हम इनके साथ हैं और ये हमारे साथ है और यही हमारा वारिस है सियासत में, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा जैसा है, हम इन्हें प्यार करते हैं और हम ये चाहते हैं कि यही सब कुछ करें और आगे भी हम लोगों को लेकर के यही सब कुछ सियासत में सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुख्यमंत्री होने के साथ साथ अपने भतीजे पर प्यार लुटाया और कंधे पर हाथ रख के कहा कि ये तेजस्वी मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है और हम लोगों के लिए ये बहुत कुछ करने वाला है।